देख रहे हैं झरोका। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स हैं राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग, हाकोट ओटाहू के शेख मुस्ताक, मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल पापा टोए टोए, फूड फोलेस ओटाहू, ट्रिपल एस आउटोज ओटाहू, टानिका ट्रेवल्स पापा टोए टोए, स्टैंडर्ड मोटर्स ओकलैंड, ऑल इन वन बिल्डर्स और ऑल इन वन किचन। फिजी के स्पॉन्सर्स में केकेज हार्डवेयर, फेयरडील ट्रांसपोर्ट, चंस एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ट्रेवल पार्टनर्स हैं ट्रेवल 2000, वर्ल्ड मैक्स टीवी और रेडियो तराना 1386 AM। नमस्कार, झरोका के ये कार्यक्रम को आप देख रहे हैं रूबरू। साथियों, कुछ ऐसे ऐसे गांव में फिजी के हसीन वादियों में, फिजी देश एक इतना सुंदर देश है। साथियों, हम हर एक गांव में जाते हैं, ज्यादा करके जहां तक कुछ बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, हम उनसे कुछ न कुछ बातचीत करते हैं। कहने के तात यह होता है कि उनसे पुरानी बातें, उनके जमाने में क्या हुआ करता था, ये सब बातें हम आज रूबरू हमारे साथ में आप सुन सकते हैं। हमारे जो मेजर स्पॉन्सर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, ऑल इन वन बिल्डर्स, साथ साथ में मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल और
Tanika Travels, Triple S Autos, Fairdeal Transport New Zealand, Rams Cleaning Services और Rams Groups of Companies, साथ साथ में KK's Hardware और Travel 2000 our travel partner, Standard Motors और Food Follies के सहयोग से ये कार्यक्रम को रूबरू आप वर्ल्ड मैक्स टीवी यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख रहे हैं। साथियों, आज हम नसीनू इलाका में बैठे हुए हैं। नसीनू जो गांव है ये रेवा प्रोविंस और सुवा यानी कि नसूरी और सुवा के बीच में एक विशाल टाउन है। वैसे सोका के क्षेत्र में जो लोग जानते हैं नसीनू काफी नामी जगह है। तो यहां पर रेम्बो रोड है। रेम्बो रोड में जब हम आए तो हमको पता चला उधर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से किसी ने हमारे कांति ने हमारे पास हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उन्होंने हमको ये बताया कि 93 इयर्स के दादाजी यहां पर है। लेकिन दादाजी थोड़ा कम सुनते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे साथियों इनसे कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें कुछ ऐसे गुड़ बातें कुछ पुरानी बातें आज रूबरू कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं यहां पर इसका नाम है मोहम्मद अली। तो दादाजी सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। अच्छा भैया दादा ये बताएं कि आपके अब्बा जान के नाम क्या था आपके दादा के नाम क्या था और वो किस गांव के रहने वाले थे और उनके कितने बेटे थे आपके कितना भाई बहन थे। अच्छा देखो हमारे दादा से मांगो शुरू करे ना। अच्छा देखो दादा हमार हैदराबाद के रहा है। हैदराबाद से आई से वो टाइम यहाँ फिजी में आवत रहे आदमी का फिजी के जब निवासी रहे लोग मांगते रहे यहाँ कुछ काम करावे ना ग्रीमेंट के जमाने में। तो दादा हमार आए यहाँ उतना तो हमें नहीं मालूम कब शादी है दादा के हमार। तो दादा हमार लबुका में रहे लबुका वो टाइम सूबा नाम रहा उसके पहला सूबा वही है लबुका। तो हुआ रहे तो दादा के हमार बहुत दिलचस्पी रहा मछली मारने के ना। तो मछली मारते रहे तो एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत सारे मछली ऊपर आवे ना जब मूड दिखाए लगे लग। तो दादा हमारे देखे मारी ने कुछ दिन तो ऐसे देखते देखते एक दिन ऐसे देरी हो गए तो हाथ में दग गए डायनामाइट ना। ओ डायनामाइट से मारे। हाँ दग गए तो लबुका में रहे तो हुआ के जब बड़को रहने पूछे न कैसे बोले हम बैल ना दे रहा तो बैल भगा हम ऐसे हाथ सूख हो गए ना। तो सच्ची बात हम बताइए ना तो ऐसे हुआ तो मैंने तो दागे रहा मछली डायनामाइट दगा लेकिन अब तो उस जमाने में हमारे ख्याल से डायनामाइट अलाउड नहीं था ना। हाँ हाँ तो कौन सी भाई कि फिर कुछ दिन ऐसे रहा अस्पताल में गए तो हाथ काट दी तो एक हाथ से रहे। फिर हुआ से इतना हम दादा के नाम क्या था रोजन नाम रहा रोजन। हाँ और इंडिया से आ रहा ना। हाँ इंडिया से हैदराबाद से। हाँ तो फिर उतना आपके अब्बा जान के नाम हसमत अली उसके पैदाइश यहीं के उसके पैदाइश हम नहीं बताओ है ना लेकिन ही सुबह की पैदाइश है। अच्छा तो आप लोग कितने भाई बहन। हम लोग हमारे बाप के भाई तीन रहे एक रहा हमार अब्बा हसमत अली दूसरा आजम तीसरा जान मोहम्मद रहा और हमार फुआ लोग के नाम रहा बड़ा फुआ के रसूलन और छोटा के हफीजन रहा।
और उससे फिर वो छोटा मरियम एक खातून इतना भाई बहन है लोग ना। आप आपके कितना भाई बहन? हम लोग सब कितना तीन भाई रहे हम लोग और दुई बहन। बड़ा भाई का नाम है अभी है? सब भाई बहन है? नहीं, हम लोग अभी जल्दी गुजर गए छोटा भाई हमारे और बहन दोनों तो पहले गुजर गई ना, तो अभी हम लोग दुनिया में दुई भाई हैं, हबीब और मोहम्मद अली। मोहम्मद धनेब तो इंतकाल हो गया और जैनब और जीनत बहन लोग के नाम रहा। तो आपके उम्र लगभग 92 ना? 93। साथियों, आज हम 93 और मोहम्मद अली जी से हम बातचीत कर रहे हैं। और दादाजी, कुछ गिरमिट के बात याद है? ये जो पहले गन्ना कटे रहा, पहले नसूरी में ना वो हम सब गन्ना होता रहा, कुछ याद है? हाँ, देखो हम अपन पैदाइश की बताई कि पैदाइश से बताओ। अच्छा, देखो हम लोग न्यू टाउन एक जगह का नाम है ना, न्यू टाउन में हम लोग रहा। तो हमारे अब्बा का नाम जमीन रहा 10 बीघा, हमारे दादा भी उतने रहा ना, जमीन के वो नहीं रहा बेलू टाइम ना, तो वही खेती बाड़ी होता रहा गन्ना वगैरह के। तो कहाँ पे रहा जमीन? न्यूटाउन। न्यूटाउन, न्यूटाउन नसूरी? नहीं, यहाँ न्यूटाउन 5.5 माइल। अच्छा। हाँ, तो यहाँ रहते रहते हुए पैदाइश भाई हमारे, वहाँ फिर हम लोग थोड़ा दिन रहा फिर सब इधर उधर चले लगे ना, चलते चलते फिर हम लोग गया कहाँ अभी याद नहीं, याद करके बताइए। अच्छा ना, चलो फिर आगे, फिर वहाँ से फिर बड़ा भाई हुई, फिर आपके निकाह कब है? निकाह ये भैया डेट नहीं मालूम है? न, डेट भूल गया हम। अच्छा, फिर भी कितना साल हो तो ही? लगभग 70 साल हो गई। कितना उम्र के रहे हो तो शादी भैरा? 25 के। 25 के? वो टाइम कौन काम करता रहा दादा? वो टाइम कौन काम करते रहे हो? वो टाइम तो वही छुरी कुदारी वाला काम रहा ना, खेत में। हाँ, तो कभी याद है कि नसूरी में गन्ना काटा जाता? हाँ, हाँ, गन्ना काटा जाता। गन्ना काटा कभी नसूरी में? हाँ, हम तो नहीं काटा, लेकिन गया संगे ना। हाँ, तो गन्ना कटत रहा और धान और गन्ना कटे, जिसे ऐसे गन्ना कटत रहा एक के हुड़ करके वो कर लो। हाँ, जिसे आपके जानो 5 बीघा जमीन है ना, तो आपके हम लोग कटाएगा, तो आप लोग के काम है हम लोग के आए कटाओ गन्ना ना। अच्छा, ऐसे करके हम लोग काम करता रहा। और फिर कौन चीज है थी, हम लोग वहां से दूसरा जगह, वो टाइम गाड़ी पे गन्ना चल रहा ना रेल, तो वो टाइम वैसे रहा कितना गाड़ी गन्ना काटा गए कितना पैसा इसना, ऐसे चलते चलते फिर हम लोग नदी किनारे आया, रेवा रेवा नदी। हाँ, नदी किनारे आया तो यहाँ सियासार के पंत में गन्ना लादा जा रहा, वहाँ पंत में गन्ना लादा जाए। और तो उपंत से गन्ना फिर कहाँ जाता रहा, मिल कितना दूर रहा? मिल काफी दूर रहा। तो मिल नसूरी के साइड में रहा के? ना, नसूरी एक साइड में रहा। अच्छा। हाँ, नसूरी में रहा मिल, मिल नसूरी में रहा। तो खाली गन्ना पंत पे ला दो और फिर खेत में से पंत तक कौन सी मिले क्या? हाँ, खेत में से लाओ गाड़ी में लाद के। हाँ, टमटम रहे। हाँ, हुआ लेके आओ,
नदी किनारे खड़ा रहे पंथ ना, तो हुआ लादा जाए गन्ना, हुआ लादा जाए लाद के कितना लदान है कैसे है ना, कई पंथ गन्ना निकराई जमीन में, अच्छा फलाना आदमी कितना गन्ना है ये सब अच्छा लिखा जाए। पलंगा पे तौलत रहीन गन्ना कैसे जाने के कितना टन गन्ना है इतना तो हमें नहीं ख्याल भैया नहीं ख्याल हाँ। बट लेकिन पंथ पे फिर गन्ना लाद के तो फिर हाँ। पानी पानी जावे तरह फिर हाँ। मिलता गन्ना कभी धान की खेती करे कुछ धान उन बोयो हाँ धान भी बोआ तरह होता है आप बोयो कभी हाँ धान बोए काफी दिन काटे हो धान हाँ वो टाइम ऐसे रहा कि धान के बिया छोड़ो झूरा धान बिया छोड़ो जम जाए उसके उखाड़ो बांधो बांध के लाओ बैल रहे घसीटा लादो लाद के कितना दूर ले जाए के ले जाओ तब धान बोआ जाए धान बो फिर धान काटे टाइम धान काटे से पहले एक रकम के मचान बनावा याद रहा है बनाओ लकड़ी काट के ना तो उस पे वहाँ ला के धरो धान रखो वहाँ काट पैरा सहित रखो के खाली दर के लाके रखो पैरा सहित हाँ पैरा सहित वैसे काट के घसीटा बुला दो चाहे उसे कंधा बुला के लाओ लाइक वहाँ रखा जाए पाल बिछाओ पाल बिछाए के फिर जितना चार पांच आदमी रहे से इधर ऐसे धर के पीटो पे वही पलास पे हाँ वही मचान पे मचान पे ऐसे पीटो तो पैरा अंते बहाओ ऐसे करके फिर जब सफा हो जाए खाली पैरा रह जाए तो इसके पे ले जाओ अंते फैलाओ थोड़ा झुराई जाए तो उड़ाओ उड़ाए के फिर घाम में झुरवाओ झुरवाए के तब घा बस्ता भर के तब लड़का अपन अपन घरे रखो कितना बस्ता धान काटे रहे पहले आदमी एक एक 30 ऐसे 30 40 तक होत रहा पैदाइश बहुत भारी रहा धान के ऐसे ऐसे मामला रहा ना तो ये धान और उसके अलावा जब खेत में काम कर लेते रहो दादा शाम संजा का करते रहो संजा के संजा के बैठे उस टाइम जैसे नंगोना उना बहुत कमती पियत रहे ना बैठे बातचीत बड़े हो खाना उना बने जैसन मांगो वैसन बना के घर घर खावा जाए और उस टाइम कुछ जैसे गाना बजाना कुछ होत रहा गाना बजाना तो बहुत जस्ती रहा उस टाइम कभी कवाली वाली गाये नहीं हम तो नहीं गाया हमें इंटरेस्ट नहीं जैसे कवाली में ये फिल्म वगैरह में हमें इंटरेस्ट नहीं छोटे समय ही चीज है अभी तक ऐसे ऐसे मामला रहा भैया और फिर खेत में जब गन्ना बोआ जाए तो कौन चीज करा जाए गन्ना भी बोए और संगे संगे और तरकारी भी बो दिया जाए जैसे बीन है और बैगन है कद्दू है खीरा उर्दी है खीरा है ये सब चीज हो वही जैसे गन्ना अभी खोद के बोई पिलाट जो टाइम हाँ फिर वही टाइम तरकारी भी बोई तो गन्ना बड़ा हो तो तरकारी भी टाइम भी खा लो ना हाँ तरकारी निकल जाए तरकारी निकाल पहले गन्ना बड़ा हो से अच्छा दादा उस टाइम मेल मिलाप आदमी लोग के कैसे रहा कैसे एक दूसरे से मिलत रहे कितना मोहब्बत रहा और अभी के मिलान में क्या कहिए उस टाइम के मिलान में बहुत भारी मोहब्बत रहा एक के नहीं देखो अगर एक रोज नहीं मिले तो उसके जाए पता लगाओ कहाँ है कैसे है और सब यही चीज रहा अभी के जमाना में कैसे अभी के जमाना में तो बहुत हुई फर्का हुई है अभी तो ऐसा है कि कोई कैसे हम लोग के भाई लोग कैसे है कि
मुद्दा ही बहुत हो जाए ना, और वो जमाना में ये चीज नहीं रहा, एक नहीं देखो तो मांगो जाए पता लगाओ कहाँ है वो और कब गए, फिर मांगो जानो कब आई से, सब चीज रहा ना, ऐसे से मतलब रहा। साथियों, हाँ कोर्ट ओटाहू के मुश्ताक शेख की ओर से ये कार्यक्रम को आप रूबरू देख रहे हैं। चले एक छोटा से ब्रेक हो जाए और इस ब्रेक के बाद में साथियों हम फिर मोहम्मद अली जी से बातचीत करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज मुश्ताक शेख, ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ हाँ कोर्ट ओटाहू। आई हैव बीन इन बिजनेस फॉर 15 इयर्स नाउ। वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस ऑफिस टू सर्व यू विद ऑल योर रियल एस्टेट नीड। My team and I are always ready to provide you with faithful, efficient and reliable services at all times. For all your residential, commercial or property management needs, call us now. Try us out. Hey baby, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, स्टॉप इट हाँ। ऑल इन वन किचन, यूज योर किचन फॉर कुकिंग एंड अ लॉट मोर। फॉर ऑल योर किचन स्टोरेज रिक्वायरमेंट, शॉप फिटिंग, बिल्ड अप टॉप्स एंड स्टोन टॉप, ऑल इन वन किचन। ये ब्रांड न्यू किचन के साथ किचन रेनोवेशंस भी करते हैं। 2/38 ग्रेसन एवेन्यू, पापटोए। कॉल अमितेश ऑन 0211-272-306। पॉपुलर, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंडियन ग्रोसरी शॉप कौन सा है? किचन के लिए हर किस्म का सामान जहां मिले आपको सस्ते दाम, फूड फॉर लेस है वही दुकान। इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश वेजिटेबल्स, पार्किंग की बड़ी जगह एंड बेस्ट प्राइस, 64 एटकिंसन एवेन्यू और अहू का फूड फॉर लेस। राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग। Modern Driving School, auto transmission for all your driving requirement in Oakland. Call Muhammad Harun 09267-5177 ya mobile 022-394-6893. Remember the phone number 09267-5177. मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल। ट्रेवल 2000 लाए हैं दिसंबर स्पेशल्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। फ्लाई ऑन कैफे पैसिफिक फ्रॉम एज लो एज 1245 रिटर्न इंक्लूडिंग टैक्सेस। दैट्स राइट, ओनली $1,245। ट्रेवल फ्रॉम 1st डिसंबर 2018 टिल 31st जनवरी 2019। सीट्स एंड फेयर्स आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट स्पेशल फेयर एंड कंडीशंस अप्लाई। 6-12 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री टर्म्स आल्सो अवेलेबल, कंडीशंस अप्लाई। कॉन्टैक्ट द अवार्ड विनिंग टीम टुडे, कॉल देम ऑन 6202266 or visit them at 731 Dominion Road, Montrose. Rams Groups of Company or Rams Cleaning. गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसपोर्ट क्रेसेंट, एवेंडेल। यहाँ पर वॉक टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डेनी को कॉल करें 0272092568 पर। नंबर एक बार फिर से 0272092568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसपोर्ट क्रेसेंट, एवेंडेल। टानिका ट्रेवल्स पापा टोए टोए। देश के किसी भी कोने में जाने के लिए टिकट की जरूरत पड़ जाए तो टानिका ट्रेवल्स पापा टोए टोए के जरूर याद करें। We play the latest Bollywood music. We discern biggest news stories. We are present on radio, digital and events. New Zealand's largest Indian radio network. Download the Tirana mobile app now. Tirana, your Indian radio. बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे कुछ पुराने बात सुन के। ये बात अब हमें बताओ कि जैसे पहले जमाना में जब आप लोग साथ में काम करते थे, जब गन्ना काटते थे या फिर उस वक्त कोई ऐसे आपस में कभी कोई बात विवाद झगड़ा इत्यादि उस वक्त होता था? ये बहुत कमती होता है, ऐसी चीज बहुत कमती ना? बहुत कमती, ये सब चीज नहीं रहा। कभी कुश्ती उस्ती में गए, बाजी लड़े कुछ है? कुश्ती उश्ती से हम लोग नहीं लड़ा। ऐसे ऐसे है कि हम लोग ऐसे रहा कि जमाना से बालू छोड़ा जाए गन्ना खेत में ना। बालू, हाँ,
तो गन्ना वो एक रकम के मनी मनीवा नजराना तो कौन चीज हम लोग बालू वालू छोड़ी जानो 10-15 साल के ऐसे वही गिराना तो बालू वालू छोड़ो तो कौड़ी एक रकम के रहे ना कौड़ी रहे कौड़ी हाँ रंग बिरंगा है सब रकम के ना तो इसके पीछे झंझट हुआ करे ना लड़कन में वही लड़ाई हो रहा हम लोग के कौड़ी पीछे जब बालू हाँ खोजो अच्छा तो बालू का है गन्ना खेत में उसके खाली फर्टिलाइज करे किस्सा हाँ अच्छा तो उसमें छोटे छोटे जब बालू रहे तो उसमें छोटे छोटे कौड़ी रहता है हाँ तो लड़कन फिर होके खेले खातिर हाँ अच्छा के कौन ढेर कौड़ी बटोर ले तो इसी चीज ना तो कौन चीज है कि हमारे दादा से हमसे बहुत भारी मोहब्बत रहा इतना जनी उसके लड़कन भी रहे हम लोग भी रहा वो लोग से उतना नहीं दादा हमारे इतना बताए रहा कि बेटा जब हम लोग के पीछे लड़ाई हुए ना कौड़ी के पीछे तो दादा इतना बताए रहा कि बाबू भैया हाँ दादा खाली बात उसके मुंह से निकले हाँ करो हाजिर हो जाओ बोले देखो तो मार खाए के नहीं आना कहीं इतना हमसे बताए रहा अच्छा हाँ मार खाए के अगर तुम आएगा तो हम तुम्हें घर भी पीटेगा तो हमारे दिल में एकदम वो जम गए तो हम और हमारे छोटा चच्चा हम लोग गाय चराई तो झंझट हो यही करती हो ना तो हमारे चाचा जो रहे वो डराए लड़ाई उड़ाई से ना हम तो भिड़ो हम आए यहाँ वो जवान दाढ़ी मोच वाले रहे ना भिड़े तो कभी कभी वो लोग पटक दें के ये पटक दें तो हम क्या करी उसे बताई तुम डरना नहीं हम यहाँ है अच्छा अच्छा दादा पहले दंगल जब होत रहा है? पहले जब कुश्ती के दंगल होत रहा तो ई सब नदी किनारे इत्यादि होत रहा हाँ नदी किनारे जस्ती हाँ गए हो कभी दंगल हाँ, देखे हाँ? कभी कुश्ती देखे गए हो नहीं हम तो ऐसे नहीं गया हम दूरे रहे ना उस सब चीज दादा इस सब चीज बता रहा खाली मार खा के नहीं आना मार खा के नहीं आना हाँ, हाँ, अच्छा तो, तो, दादा के दिमाग बात अब दिमाग में बैठाए के हाँ, चले अच्छा तो कौन चीज है कि ऐसे हो जाए तो भिड़े ना तो ये एक पीटे लगे हम क्या करी उसके ऊपर ये जन पटके होके ना जो चित पटरे वाला ना हाँ, चित पटरे हाँ तो कौन चीज हम ऐसा का होके ऊपर चढ़ के हिया ऐसे गोर लगा के ये ऐसे कर दवाई हाँ, देखा है तुम्हें हाँ, हाँ, ऐसे वो रो एकदम तब वो जवान एकदम आदमी रोए लगे बोले दादा छोड़ दे बप्पा छोड़ दे तो हम छोड़ी जाए के हमारे दादा से रिपोर्ट करे हम लोग पीट के पहले चल दी पीट के पहले चला जाओ मेरे दादा बिगड़े बोले कहाँ बड़ जोर गरजत रहा ना ये तो हिये है वो बेचारा रोज भगे ओकर बाप वह डांटे तो आज तक हमें बहुत जनी मारे करते नहीं जवान हो में ना शादी हो बाद जैसे बहुत जनी गाइन मारे यहाँ तक कि अच्छा देखो छोड़ दो यहाँ ही देखो हम फिर चलते फिरते ऐसे मछली मारे लगा ना मछली मारा कुछ दिन तो बहुत जनी वो करे कि इसे मछली मारे वैसे मछली मारे वाला फिजी में जानो कौन पहले फिजी में आई है जपनी ई मछली मारी ने मछली मारी के शुरुआत मछली मारी ने और
बोट वगैरह बनाई वही लोग सिखाई कैसे बोट बनाए वही लोग सिखाई मतलब कि कैसे बोट बनाओ हाँ तो जाल बनाए कैसे जाल बनाए सब बनाए ऐसे चलते फिरते तब जवान भया हम तो हम मछली मारे लगा तो आदमी देखे बोले ई कहा है मारी है मछली ना भैया फिर लाइसन लगे लगा ना अच्छा लाइसन लगे मछली के जैसे प्रूफ कहीं के लिस्ट चल रहा तो ऊंची लगा तो सब डरे बोले कहीं गवर्नमेंट कोई कानून ना निकाल दे तो हमें मछली का लाइसेंस मिला क्लोको लेबू से नसलाई लाइट हाउस ओ क्लोको लेबू जाने हो ना क्लोको लेबू कहीं नसूरी के साइड हाँ क्लोको लेबू इसे ही बड़ा घड़ी ना बीपी के उठा ना यही जगह से नसलाई बत्ती घर हुआ बहुत खराब हल्का उठे ना क्लोको लेबू का मतलब के बड़ा घड़ी हाँ वही कोई बड़ा घड़ी ना का हाँ वही बीपी तक घड़ी है बीपी की दुकान में घड़ी है ऊपर लगा है तो उजरक नाम है क्लोको लेबू हाँ अच्छा। साथियों बड़ा गुड बात आज आप सुन रहे हैं कि क्लोको लेबू क्लोको क्लोक जिसको क्लोक कहते हैं तो उसको आदिवासी उसको क्लोको कहते हैं क्लोको लेबू लेबू के मतलब होता है बड़ा हाँ, बड़ा घड़ी तो क्लोको लेबू यहाँ पर मतलब नसूरी में है तो अच्छा हुआ से लेके नसलाई तक अच्छा तो ये लोग देखें भैया लोग जन फिजी गए ये लोग देखें बोले तुम्हें इतना भारी कैसे मिल गए हम तो मांगा नहीं हम अपने दिन लोग तो ये लोग छोटा छोटा मछुआ लोग रहे ना जैसे मछली बिजनेस चल रहा तो नौकरी वैसा बहुत कमती रहा ना तो कौन चीज है ये भैया लोग डरवावे ना हिंदुस्तानी लोग के कोई कोई के जिसे जगह रहे जिसे मान लो बतुआंगा ना बतुआंगा से बतुआ नदी ऊ पार ई पार नहीं ई रेवा दूसरा है ना ऐसे ऐसे रहे ना तो ये लोग तुम्हें मिला लाइसेंस उतना दूर के है उतना दूर के लाइसेंस मिला कि तुम ई एरिया खाली मछली मारे सको तो हमार तो इतना भारी रहा तो ये लोग मार खाए ना तो हम बोट वोट भी बनावे लगा फिर अच्छा। देख ले एक दफे तो काम कर डाली मिस्त्री रहे हाँ बोट भी बनाई मछली भी मारी जाल भी बनाई सब चीज करी ना फिर ऐसे चलते फिरते मार खाए कई लोग बताए जब मछली मारे लड़का है बोले फलनवा आदमी दे इतना मछली मारी हम हाँ ठीक उसकी खुशी वो मालिक उसके दिए ठीक भाई तुम तो घरे हम हाँ हम तो घरे वही बोले वैसे मार लीन तो एक टाइम ऐसे है तो हमारे बाप एक जगह जंगल में रहत रहा ना रहत रहा जी कोई रहने माए धान के खेती हुआ हो ना तो कौन चीज है बाप उ टाइम ये बत्ती उत्ती नहीं रहा ये सच नहीं तो पहले बिजली लाइट और डिग्री बत्ती रहा हाँ नहीं हाँ यही रहा इलेक्ट्रिक नहीं तो कौन चीज है वो कई बीती सार बहने दोनों आये नब्बू तूड़े लगे ना हम घर आगे बंद करके तरकारी छौका छन छन हो बहुत बहुत गिरे ना उ टाइम नब्बू बड़ा बड़ा होता रहा मंदिर ना तो कौन चीज पल्ला खोला हम तो माइक गाड़ी पहले दीस मैं कौन करता पौला मैं मंगई तीना ना हम वो लाई लाई हो सार बन एक नाम एक एक पौला और बहुत जनिक पीटा